ये देख मम्मी मम्मी ये रहा मेरा घर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप बैठिए मैं चाय लाती। कैसी लग रही हूँ? वेरी गुड। ये प्रभा। हाँ दीदी। ये तूने बनाया है क्या? हाँ ये मैंने बनाया है। डॉक्टर प्रभा ये क्या है? बचपन से ही इसको डॉक्टर बनने का है मैडम। ए प्रभा तू डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ दीदी। खाना बन गया है क्या डॉक्टर प्रभा? तैयार है दीदी। दीदी दीदी ये देखिए। ए ये कब बनाया? कल रात। पसंद आया? वाओ वेरी गुड। बहुत अच्छा। मैंने जैसा कहा वैसे ही करो। ठीक है सर। मैंने पहले ही बोला था ना फिर से बोल। सॉरी वो वैक्सीन खत्म हो गई है। मैं भिजवाता हूँ तुम जाओ। ठीक है। मैडम स्कूल के बच्चों से बोल दो कि वो भी वैक्सीन ले लें। नहीं नहीं दीदी मुझे बहुत डर लगता है। ना मत कहो बच्चों वैक्सीन सेहत के लिए जरूरी है। दीदी दीदी प्रभा वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, प्रभा इधर आ। मुझे वैक्सीन नहीं लेनी। इसमें रोने वाली क्या बात है? आजा। प्रभा तू भी बड़े होकर सबको वैक्सीन लगाएगी ना? हाँ दीदी लगाऊंगी। तो अगर तू खुद डरेगी तो कैसे लगाएगी? हाँ चल से छोड़ दे। छोड़ो रोना ना दीदी, आजा। प्लीज जाने। अच्छा चल एक काम करते हैं। प्लीज तुझे ना वैक्सीन मैं लगाऊंगी। अब रोना नहीं। डॉक्टर मुझे दीजिए। अब मैं इसे खुद लगा रही हूँ तो दर्द नहीं होगा ठीक है? बस मेरी आंखों में देख। देखती रह और ये ले। हो भी गया। लग गया दीदी और पता भी नहीं चला। और देखा इतनी सी बात के लिए कितना बड़ा शोर मचाया। गुड मॉर्निंग दीदी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब प्रभा कहाँ है? पता नहीं दीदी। अमृत और शिवानी भी नहीं दिख रही है। उनका भी नहीं पता। प्रभा अब आंटी प्रभा को क्या हुआ है? आ जाए नहीं? मैडम उसका पूरा शरीर आग से झुलस रहा है और बुखार ने जकड़ लिया है। पड़ोसी के घर छोड़कर अपना काम पे गई थी। जब लौटी तो बुखार बढ़ गया था। दवाई की दुकान से 2-3 दवाई भी लेके दी थी। देखो क्या हो गया है उसे। आंटी एक गीला कपड़ा मिलेगा प्लीज? हाँ अभी लाई। प्रभा दीदी मेरा पूरा शरीर चल रहा है। मेरी बच्ची बच गई। घबराइए मत। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रभा सिस्टर इमरजेंसी है जल्दी करो। इसकी हालत बिगड़ रही है। प्रभा प्रभा मेरी बच्ची को क्या हो रहा है?
प्रभा की मौत ने आध्या की जिंदगी बदल दी। कोई ढंग का इंतजाम ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला था ना, फिर से बोल। ठीक है, दोनों बॉटल तो सेम है मैम, पर इनके अंदर जो दवाई है वो अलग है। एक में डेंगू की वैक्सीन है पर दूसरे में कुछ और ही है। अभी शिकायत करता हूं, मजाक बना रखा है। हेलो हेलो, वो स्कूल में जो वैक्सीन लगाई थी उसकी जानकारी चाहिए मुझे। कितने बच्चे डॉक्टर? कितने बच्चे मारे गए? आध्या, क्या मतलब था आपका कि कितने मरे? आपको पता था ऐसा होने वाला है? आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? कंप्लेंट से मेरी जान चली जाती। आज के दिनों कैंसर भी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी इन कंपनीज ने बना डाली है। जो कुछ उस डॉक्टर ने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जितना सोच रहा था उससे कई बड़ा षड्यंत्र है सबके पीछे। षड्यंत्र है? अलांटा नाम की एक इंडियन कंपनी करोड़ों रुपए लगाकर अपने वैक्सीन्स का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। नॉर्मली ऐसे वैक्सीन्स के एक्सपेरिमेंट सिर्फ जानवरों पर किए जाते हैं, लेकिन इस कंपनी से स्कूल के लोगों के साथ सेटिंग करके इन बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और प्रभा जैसे बच्चे इसी एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गए। अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता तो दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनीज को ये लोग बंद करवा देते और करोड़ों अरबों रुपयों के रातों रात मालिक बन जाते। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज की नजर अब इस पर है। इसमें करोड़ों अरबों का फायदा है। ऐसी खतरनाक वैक्सीन्स लगाने की इजाजत कभी भी किसी कंपनी को नहीं मिलती, लेकिन बड़ी मेडिकल कंपनीज ये सारे एक्सपेरिमेंट्स गरीब देशों में एनजीओज और ट्रस्ट्स के नकाब के पीछे छुप कर करती हैं, और 15 से 18 साल की लड़कियां अक्सर इन एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बन जाती हैं। ये पूरा का पूरा चेन है करप्शन का। अगर तुम्हें पता चल गया कि इस स्कैम में कितने लोग शामिल हैं तो सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा और तुम इनके खिलाफ खड़ी होगी। ये सब टाइम पास करना बंद करो, नहीं तो कम उम्र में मारी जाओगी। मैंने भी आध्या को बहुत समझाया कि इन सब मामले में ना पड़े, पर उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। सारे सबूत जमा करके वो सीधे स्कूल मास्टर के पास पहुंच गई। यहाँ का कलेक्टर मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, कल मिलकर उसे सब समझा दूंगा। ओके सर। ए, क्या रे, ज्यादा शांत पट्टी दिखा रही है तू? अगर और आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो जान से मार डालूंगा तुझे। ये बात भेजे मैं बिठा ले, चल निकल। जरा हटिए, हटिए, जरा एक मिनट मुझे जाने दीजिए। क्या हुआ है? हेडमास्टर का बाथरूम में पैर फिसला और मर गए। बेचारे बहुत शरीफ आदमी थे। आध्या, आध्या सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों झमेले में पड़ती हो? अपने घर चली जाओ ना, कैसे जा सकती हूँ मैं? प्रभा के इतने रोने के बाद भी मैंने उसे वैक्सीन लगाई। इतना सब कुछ जानने के बावजूद मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? आध्या मेरी बात समझ, वो लोग मार डालेंगे तुझे। मारने दो, मारने दो, इस तरह तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी। मारिया, उन मरे हुए बच्चों के चेहरे मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। देख मारिया, तुझे जाना है तू जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं देख रही हूं। आध्या मत रो ना, मुझे, मैं कुछ करती हूँ।
आध्या, मेरा एक दोस्त है जो कुछ मिनिस्टर्स को जानता है, मैं अभी उसी से बात कर रही थी। उसने मुझे आज रात पैराडाइज रिजॉर्ट में बुलाया है, वहाँ पर कोई इवेंट है आज, हम वहाँ चलते हैं। ठीक 7 बजे हमें उधर बुलाया है। 7 बजे? ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। हाँ चलेंगे। अजीब सपना आया मुझे। एसी तो फुल है फिर भी पसीना आ रहा है। या गौतम। सर, क्या आप पता लगा सकते हैं गांधीनगर में कोई एक्सीडेंट हुआ है? ओके गौतम। ओके रोहित, रात को मिलते हैं। बोलिए सर। मैंने पता किया गौतम, गांधीनगर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और तुमने जिस एम्बुलेंस का नंबर दिया वो तो फर्जी है। ना टपकाओ, वरना तुम सबको टपका डालूंगा सालो। ये करारे करारे नोट देख कर ना दिल बहुत बेकरार हो रहा है भाई। एक आधी गड्डी दे दो, पैर धो धो के पीऊंगा और जूते मैं खाऊंगा। शाम तक हर एक इलाके में रुपए पहुंच जाने चाहिए, समझा? एम्बुलेंस है भाई, ट्रैफिक में थोड़ी रुकना है, शाम तक नोट बढ़ जाएंगे। हाँ गौतम। सर, एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे चैनल के लिए। यहाँ एक एम्बुलेंस में नोट भरे जा रहे हैं। मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, जॉइंट कमिश्नर से कहिए फोर्स लेकर आए। कौन है बे तू? अपने सामने अपने ही आदमी को मारता है, जानता है अपुन कौन है? चिल्ला कर अपना गला सुखाना बंद कर, बस कुछ देर रुक जा,
तू ब्रेकिंग न्यूज बनने वाला है। अपनी औकात मेरे मिनिस्टर अशोक वर्मा का छोटा भाई है ये। औकात के दम पे फुदकना बंद कर, कानून के सामने सबकी औकात सेम होती है। मिनिस्टर का भाई है ना, आज पूरे देश को इसकी करतूत पता चलेगी। ए, खत्म करो साले को। भाई इनका काम तो ब्रेकिंग न्यूज देना होता है, ये तो ब्रेकिंग बोन्स दे रहा है। ए, लुक्खे पत्रकार, चुपचाप वीडियो डिलीट करो और तेरे को जितना खोखा चाहिए यहाँ से लेके घंटी बार। बचपन से ही मेरी आदत है कि मैं जो भी पिक्चर शुरू करता हूँ उसका दी एंड करके ही रहता हूँ। खड़ा क्या है, जा मार उसे। सर मुझे ठोकने से पहले मेरी इमोशनल कहानी सुनिए। मेरा हार्ट ब्लॉक है, मेरी किडनी में भी स्टोन है। मरे हुए आदमी को क्यों मार रहे हो? अभी शाम को डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है जी। अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है जी, प्लीज। नासा के साइंटिस्ट्स का कहना है, सुबह सुबह कॉफी पीने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना है। उनो हाथ से काढ़ा। गुड मॉर्निंग पांडू। गुड मॉर्निंग सर। ब्रेकफास्ट रेडी है? रेडी है सर। सर कॉफी मत पीजिए। क्यों? अगर आपने कॉफी पी तो आपको अटैक आ जाएगा। ताजा ताजा न्यूज आई है, आपकी धड़कन चलेगी तभी तो मेरी फैमिली बढ़ेगी। थैंक यू सर। इसमें नमक क्यों नहीं है? सरकार मैंने आपका नमक खाया तो आपका नमक खत्म हो गया। वैसे भी ज्यादा नमक बॉडी की चमक को कम कर देता है, ये भी ताजा न्यूज है। तू एक काम कर पांडू। हाँ। कल सुबह से ना तेल और मक्खन भी बंद कर दूं क्या? ये पेपर पढ़ना बंद कर दे। अब नेट पे खबर देखनी पड़ेगी। हाय गौतम। हाय। Great job. Thanks, man. Congratulations, Gautam. Thank you. क्या बात है? Congrats. अरे तू तो वहाँ ट्रैकिंग करने गया था ना, तो तुझे पता कैसे चला कि कुछ गड़बड़ है? उस लड़की को देख। कब से देख रहा हूँ उसको, काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। गलत। हाँ। पत्ते खेल रही है। पत्ते? हाँ? कट गया? कैसे मालूम पड़ा? हमेशा लड़की की आंखों में देखो। ओ तेरी। जलते हैं हमारी तरक्की से, यही खातिर हम पर अक्सर गलत इल्जाम लगाते हैं। हमारी राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश है। हे गौतम, कांग्रेचुलेशंस मैन। थैंक यू सर। थैंक यू। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके बंगाल तक, पूरे देश की जनता हमारे चैनल से जुड़ी है। ये अशोक वर्मा इलेक्शन के टाइम पे ही पकड़ा गया है। एनीवेज ये सब छोड़ो, हमारी 10th एनिवर्सरी के लिए तुमने हमें बहुत अच्छा तोहफा दिया है। लेट्स रॉक इट टुनाइट। Congratulations, Gautam. Thank you so much. हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। I'm there for you. बिल्कुल सर। अगर कोनो माई का लाली साबित कर दे कि हमरा भाई ने गलती की है तो आप में से केहू भी आकर हमरा गला पकड़ सकते हैं। हम चुनौती देता हूँ, कोनो में हिम्मत नहीं है। But that malign
impale their prey. क्या ही है? वापस चलने का मूड नहीं है? कितने बज रहे? 8:30 AM। अरे यार लेट हो गया। तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? क्या रात से कबड्डी खेल रहा था क्या अंदर? चल बाहर निकल, रेडी होके आता। अरे टाइम बता। 5 मिनट। गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? मुझे कल रात को एक सपना आया। सपना? सपने में एक लड़की थी। दिखती कैसी थी? सपने में ना दो लोग उसे मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। एक गाड़ी, उन्होंने गाड़ी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मैं लड़की के साथ ही सब कुछ देख रहा हूं। उसका चेहरा, उसकी आंखें। एक्चुअली ना वो सपने से ज्यादा मुझे हकीकत ही लग रहा था। कौन है वो लड़की? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या यार, अरे सपने में हम जो भी देखते हैं ना, सुबह आंख खुलते ही फोर हो जाता है। और वैसे भी सपने कभी सच नहीं होते। मुझे ऐसा लग रहा है भूल भुलैया से कोई भूतनी अपना पता पूछने के लिए आई होगी। नहीं यार, भूत भूत नहीं था। मैं ये सपना पहले भी देख चुका हूँ। पहले भी देख चुका है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुझे याद है ना 6 महीने पहले रवि की शादी हुई थी, वो भी इसी पैराडाइज रिसोर्ट में थी। तभी यही सपना आया और सपने में यही लड़की थी। और अजीब बात यह है कि दोनों बार यही 118 नंबर वाला रूम था। डराना बंद कर यार, सेम रूम में। वही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। सेम रूम, रूम नंबर 118। जब पहली बार यह सपना आया था तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह सपना दूसरी बार आया और वही रूम है, वही सपना है। यकीन नहीं हो रहा है यार। तू शायद यकीन ना करे, पर मुझे पक्का यकीन है कि ये भूतनी का ही काम है। इस चुड़ैल से बचने के लिए तू अघोरी के पास जा, एक दो फूंक मारेगा, चुड़ैल उड़न छू, सब ठीक होगा, समझा? कैसे सपने देखता है गौतम? ये लो गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी। अरे सुन,
हमें लगता था कि ये अजीब सपने सिर्फ मुझे ही दिखते हैं ना। अरे फिर से शुरू। अरे एक बार ये वेबसाइट देख, mysticdreams.com। इस वेबसाइट पे बहुत से लोगों ने अपने अजीबोगरीब सपनों के बारे में शेयर किया हुआ है। एक कंपनी प्रॉब्लम में फंस गई थी। उन्हें अपने एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सोल्यूशन नहीं मिल रहा था और वो लोग घबरा गए थे। तभी उनके कंपनी के एक एम्प्लॉय को उसके सपने में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। उस कंपनी ने उसे बड़ा प्रमोशन दे दिया। उसकी तो पूरी लाइफ बदल गई। गौतम, तू एक पढ़ा लिखा आदमी है तो इन फालतू बकवास बातों में क्यों पड़ रहा है? लेकिन यार वही सपना मुझे वापस क्यों आया होगा? तू एक पैक कॉफी का मार, मार मार। स्वागत है आपका सपनों की इस विचित्र दुनिया में। हमारे दिमाग में हर समय कोई ना कोई केमिकल बदलाव होता रहता है, जिसके कारण दिमाग में एक फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को हम कहते हैं एक सपना। लो आ गया भूत बाबा, मुझे जाके इससे मिलना होगा। तेरा भूत यही उतारेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। इसे कहते हैं अ मिरेकल, विज्ञान का एक चमत्कार। क्या बोल रही है? दिमाग, तुम्हारा केस इसकी सही मिसाल है। दिमाग एक क्या कहते हैं, बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह होता है। कितने टीवी का सर? वो हार्ड डिस्क का बोला ना। क्या बक रहे तू? इस दिमाग या हार्ड डिस्क में सब कुछ स्टोर होता है। तुम कौन हो, क्या नाम है, तुम्हारी लाइफ में आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारे सारे ख्याल सब कुछ तुम्हारे दिमाग में बसा है। सच बताऊं तो तुम्हारे सपने भी स्टोर होते हैं। जब मैंने उस लड़की को देखा ही नहीं तो वो मेरे सपने में कैसे आई? डॉक्टर, बुरा सपना, भयानक सपने, ऐसे सपने दिमाग से आसानी से निकलते नहीं है। पता है क्यों? पहली बार जब तुम उस कमरे में थे और तुम्हें वो सपना आया तो वो तुम्हारे दिमाग में ही छप गया, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प था। और 6 महीने बाद उसी कमरे, उसी माहौल में, उसी तुम्हारी हार्ड डिस्क ने तुम्हारा सपना फिर से दोहरा दिया। मुझे बस इतना बताइए, अगर ये सपना दोबारा आया तो डरने की जरूरत नहीं है ना? घबराते क्यों हो? कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा कि मैं समझा चुका हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की ही क्रिएशन है, एक थ्रिलर फिल्म की तरह बस। मेघा, बाहर आ। कैसे पता चला? तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम्हारे परफ्यूम से तुम्हें पहचान ही लूंगा। मान गई, मेरी जग्गा जासूस। अगर कोई दूसरी लड़की ऐसा ही परफ्यूम लगाए तो क्या उस पर भी ऐसी लाइन मारोगे? ये परफ्यूम तो कई लड़कियां लगाती हैं, लेकिन जब तुम इसे लगाती है तो इसकी खुशबू बहुत खास हो जाती है। Do you know that? Really? ये वो पानी की जरूरत है। अरे यार चलना। तू जा ना।
हाँ सर। गौतम तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर। आपने ट्रक के बारे में पता करवाया? मैंने जेसी को इन्फॉर्म कर दिया, वो उनकी तलाश में, वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं शहर के बाहर हूँ सर, एक घंटे में आ जाऊंगा। ओके तो एग्जैक्टली वही जगह है जो मेरे सपने में आई थी। लगता है उस लड़की की लाश उन लोगों ने इसी नदी के अंदर फेंकी होगी। मुझे कुछ करना ही होगा। वही नदी, उसी नदी में गाड़ी भी मिली। वही तो कह रहा हूं मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था वो सपना सच होगा। सपने में देखी थी वही झील है, गाड़ी भी वही है, और सबसे जरूरी बात, सपने की अहम कड़ी, जिस लड़की को मार रहे थे वो लड़की भी होनी चाहिए ना? होनी तो चाहिए। उस लड़की के बारे में हम उस गाड़ी के जरिए पता लगा सकते हैं। अगर पता चले कि गाड़ी किसकी है तो उस लड़की का भी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। पर गाड़ी को बाहर कैसे निकालेंगे? गाड़ी बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ, जॉइंट कमिश्नर मेरा अच्छा दोस्त है, वो हमारी मदद करेगा। ए ऊपर ले, ऊपर ले। हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज जेसी रविंदर। फोर्ड आइकन सिल्वर कलर। सारे पुलिस थानों में चेक करो कि कहीं इस गाड़ी की मिसिंग कंप्लेन है क्या। जल्दी। ब्रेकिंग न्यूज, बरसों पुरानी गाड़ी जिस पर बुरी तरीके से जंग लगा हुआ था, हैदराबाद के पास एक नदी से बाहर निकाली गई। बोलो। न्यूज देख रहे हो रॉनी? हाँ। तूने कहा था कि टेंशन मत लो, लेकिन पुलिस को गाड़ी कहाँ से मिल गई? टेंशन के मीटर को डाउन करो। बोलो सर।
पुलिस को वो गाड़ी मिल गई। 10 मिनट पुरानी खबर है ये, जो हो चुका है वो बताना बंद कर आगे बोल क्या करना है। सर मैं इनकी इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कुछ उल्टा सीधा मत करना, सच को जितना छुपाने की कोशिश करोगे उतना जल्दी ही बाहर निकल जाएगा। फिलहाल तुम पता लगाओ ये सब कैसे हुआ। जी सर। गौतम मैंने सीएम से बात कर ली, वो मिनिस्टर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बस अपना काम जारी रखो। ठीक है सर। गौतम गाड़ी की डिटेल्स मिल गई है, पुलिस स्टेशन में इस गाड़ी की मिसिंग कंप्लेंट भी थी, लेकिन गाड़ी के साथ साथ एक लड़की भी लापता है। थैंक यू सर। जब हमें कुछ पता चलेगा तब हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो इस गाड़ी को पीछे रखो। ओके सर। ए भिड़ू अपन अभी आया। ओ भिड़ू। हाँ? उस लड़की की सारी डिटेल मिल गई फोन नंबर के साथ। लड़की का नाम मारिया है, चर्च से फादर आए थे ना, उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज की थी। मारिया कुछ महीनों से लापता है भिड़ू, और शायद वही तेरे सपनों में भूतनी बनकर आ रही है। ये देख उस लड़की की फोटो। हाँ, दिखा। ये वो लड़की नहीं है क्या? मुझे तो ये कार्ड बहुत पसंद है, एक बार मुझे तो दिखाओ। हाँ देखना, सारे के सारे इनविटेशन कार्ड ही तो हैं। ये देख ये कितना सुंदर कार्ड है, जा बेटी उसे जाके दिखा। देखो जानू इतना मुंह क्यों लटका हुआ है, हमारी शादी का कार्ड है। अगर ऐसे ही मुंह लटकाए रखा ना तो सबको लगेगा मैंने धोखे से तुम्हें फंसा लिया। सुनो मेघा, तुम थी इसके सपनों की राजकुमारी, पर अब आ गई है किसी और की बारी। जब तक उसका पता नहीं चलता इसके चेहरे पर 12 ही बजेंगे। तुम लोग पुलिस स्टेशन गए थे ना पता करने, कुछ पता चला? हाँ ना, फोटो तक मिल गई उसकी, लेकिन ये वो लड़की नहीं है, पूरी मेहनत बर्बाद। देखो सपनों वाली नदी मिल गई, नदी के अंदर से गाड़ी भी निकली, गाड़ी के साथ साथ एक लड़की भी लापता थी। जाहिर सी बात है इस लापता लड़की मरिया का और मेरे सपनों वाली लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल होगा। मरिया के बारे में और जानने के लिए हमें जाकर फादर से मिलना चाहिए। इसे मेरे ऑफिस में रख दीजिए। ओके फादर। मारिया 4 साल की थी जब यहां पर आई थी, यहीं पली बढ़ी, यहीं पढ़ाई की, बाद में यहीं के बच्चों को पढ़ाने लगी, हम सबकी बहुत मदद करती थी। और वो गाड़ी फादर? गाड़ी यही अनाथ आश्रम की थी, जरूरत होने पर ले जाती थी। क्या उसने कुछ कहा था कि उस दिन वो किससे मिलने जा रही थी? नहीं। मरिया के कोई दोस्त वगैरह थे? वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। क्या उसके कोई दुश्मन थे? हम ऊपर वाले की सेवा करते हैं, हमारे कैसे दुश्मन। अब मैं उसका कमरा देख सकता हूँ फादर? उसके पास जो भी था सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ था। करीब 3 महीने पहले हमने उसके कमरे को क्लासरूम में बदल दिया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा मुझे काम है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ओके फादर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। कुछ महीने लापता हुई तो क्लास बना डाला, और कुछ महीने नहीं आई तो क्या यूनिवर्सिटी बना देगा? फादर को ऑलरेडी पता था कि लड़की आएगी ही नहीं। तूने फादर की आंखें देखी थी क्या? मुझे तो शक है कि दाल में कुछ काला है। पहले मेरे सपनों में किसी लड़की को मार रहे थे, लेकिन मरिया जो कुछ महीनों से लापता है वो तो मेरे सपने वाली लड़की है ही नहीं। तो फिर आखिर मेरे सपने वाली लड़की और मरिया में क्या संबंध है, और मेरा सपना सच्चाई में कैसे बदलता जा रहा है? क्या ये भगवान का कोई करिश्मा है,
ये पैराडाइज रिजॉर्ट के रूम नंबर 118 में ही मुझे बार बार सपना क्यों आता है? ए भिड़ू, फादर से मिलने के बाद बासी टमाटर की तरह चेहरा क्यों बन गया? एक बार इस मरिया का पता चले तो मेरी सपनों की गुत्थी सुलझ जाएगी, पर कुछ हाथ नहीं आ रहा है। क्या करें? हेलो, क्या कहा? अरे क्या हुआ अचानक? घर से फोन आया था, माँ आज बेहोश होकर गिर गई। अब कैसा लग रहा है आपको? गौतम मेघा, आओ आओ। अजय कैसा है ऋतु? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरे साथ रहने आ जाओ ना माँ। जब अचानक से कॉल आया तो हम बहुत घबरा गए थे माँ। अरे कुछ नहीं बेटा, बढ़ती उम्र के साथ बीपी बढ़ गया था तो मैं जरा बेहोश हो गई थी। मैंने कहा भी कि मत परेशान करो उन्हें। डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा सब ठीक है, बस बीपी की गोली याद से लेना है। इतना याद दिलाते हैं फिर भी माँ जी भूल जाती हैं। ऐसे कैसे चलेगा माँ? तुम तीनों थक गए होगे, जाओ पहले कुछ खा लो। माँ जी, आपके भाई का फोन है। ये ले। बहन जी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या रे गौतम, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। बेटी मेघा, शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? अच्छा चल रहा है अंकल। और घर वाले कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, वहाँ से वापस आते समय हमारे घर में जरूर आना। जी बिल्कुल। यही सेम निशान तो मैंने अपने सपने में भी देखा था। लेकिन तुम लोगों को वक्त ही नहीं मिलता आने के लिए। हाँ हम जरूर आएंगे। मेघा भी आपका गांव देखना चाहती है, वो भी आएगी। ठीक है ठीक है, पर आना जरूर। मेरे सपने में उस लड़की ने कहा था कि विज्ञान सिर्फ एक सीमा तक ही रास्ता दिखा सकता है, उसके बाद भगवान ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मैंने कहा था ना, सपने में एक दरवाजा देखा, उस पर एक निशान बना था, बिल्कुल ऐसा ही। मैं पहले ही समझ गया था कि तेरे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है इस सिंबल को लेकर। मामा, ये प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? है नहीं, था, उसे बंद हुए तो 6 महीने हो गए। यहाँ से थोड़ा दूर ही है। रुको, तुम्हें एड्रेस देता हूँ। ये वही दरवाजा है। बस ये सस्ती लो बजट जगहों के सपने देख, साला कोई ढंग की बीच साइड लोकेशन के सपने नहीं देख सकता था तू। अंदर चलते हैं, शायद कुछ पता चले। चलो। तेरे सपने में आई भूतनी से ज्यादा मुझे इस घर में बसी भूतनी की टेंशन हो रही। पैम्फलेट देख, मेरे सपने में जो लड़की आती थी ये वही है। ये लड़की थी? इसका नाम आद्या है। ये तो लापता है। अजय तू इस नंबर पे कॉल करके देख, यहाँ नीचे एक एड्रेस भी लिखा हुआ है। नॉट रीचेबल। कौन है?
आद्या के पिताजी। हाँ, अंदर आओ। आद्या के बारे में कुछ पता चला? मुझे पता था कि वो एक दिन जरूर मिल जाएगी। मैं फालतू में परेशान हो रहा था। आइए आइए। सॉरी अंकल, हम भी आद्या को ही ढूंढ रहे हैं, वो भी अब तक लापता है। 8 महीने से लापता है, हर शहर हर गली में ढूंढ लिया पर कहीं कोई निशान ही नहीं। मेरी बेटी मेरा सब कुछ थी, पर पुलिस वालों के लिए सिर्फ एक मिसिंग केस है। क्या हम आद्या का कमरा देख सकते हैं? अंकल, मैं जानता हूं कि आद्या के बारे में पूछूंगा तो आपको थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। जॉब पसंद नहीं आई तो उसने छोड़ दी। उसको घूमना फिरना बहुत पसंद था। आप आखिरी बार आद्या से कब मिले थे? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर आद्या की मां का जन्मदिन। आद्या ने मुझसे पूछा, पापा अगर जिंदगी में हम कभी किसी दुविधा में फंस जाएं और कुछ भी समझ में ना आए, दिल जब कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ और, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए पापा? दिल की सुननी चाहिए या फिर अपने दिमाग से काम लेना चाहिए? मैंने उससे कहा, इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। बस उसी दिन से वो लापता है। मेरी गलती थी, मैं ही उसकी बात समझ नहीं पाया। संभालिए अपने आप को। मेरी सांसें इसी भरोसे पर चल रही है कि वो एक ना एक दिन जरूर लौट के आएगी। तुम्हारे आने से मेरा हौसला बढ़ गया है बेटा। तुम ही आद्या को ढूंढ सकते हो। देखो जो भी करना पड़े करो, किसी भी हाल में हमें उन अंकल की मदद करनी होगी। एक बाप हमेशा अपनी बेटी की खुशियां चाहता है। हमें कुछ भी करके उस लड़की का पता लगाना पड़ेगा। हमें यह तो पता चल गया कि आद्या किस दिन लापता हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता चला कि मरिया भी उसी दिन लापता हुई, 6 अक्टूबर 2017। पता नहीं मरिया के साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे सपने के हिसाब से या तो आद्या उस दिन रिजॉर्ट के रूम नंबर 118 में रुकी थी, या फिर वो उस रूम में किसी से मुलाकात करने के लिए आई थी। उस दिन उस रूम के अंदर कौन था? हाय सर। क्या सेवा करूं? थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। 6 अक्टूबर को रूम नंबर 118 में कौन रुका था आप बता सकते हैं? एक मिनट सर। सर उस दिन तो रूरल डेवलपमेंट कमेटी की हमारे होटल में मीटिंग थी। अरे यार, उस दिन उस फंक्शन में तो मैं भी आया था। तू यहाँ आया था? हाँ यार, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। मुझे कॉल आया कि सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वापस चला गया। इस टेंशन में ये सब भूल गया था। सर उस दिन इस कमरे में कोई नहीं रुका था। एक बार फिर से देखिए। सर मैंने चेक कर लिया है, उस दिन कमरे में कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? सॉरी सर, हम सिर्फ 6 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग रखते हैं। 6 अक्टूबर को तो वैसे भी 8 महीने हो गए, लेकिन उस दिन पूरे इवेंट को कैमरामैन ने शूट किया था। उसका नंबर देता हूँ। हेलो सर, रूम नंबर 118 में अक्टूबर 6 को कौन रहा था, कोई पूछताछ करने आया है? पुलिस? नहीं, कोई लड़का है। कौन है साला जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? होटल तक पहुंच गया। जल्दी कुछ कर। मैं कोशिश करता हूं सर। आज रात तक मुझे वो लौंडा खत्म चाहिए, समझा? ओके सर। मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ। थोड़ा आगे बढ़ाना और थोड़ा।
हाँ पीछे जा पीछे जा पीछे पीछे ले हाँ ये अरे ये आते हैं क्या बात है भिड़ो तू तो बिल्कुल सच कह रहा था आद्या वाकई यहाँ थी थोड़ा सा फॉरवर्ड कर अरे अभी तो यही थी कहाँ चली गई जरा फॉरवर्ड कर सर ये तो फाइनल फुटेज है हमारे पास रफ फुटेज भी है फिलहाल मुझे वो वाली हार्ड डिस्क कहीं दिखाई नहीं दे रही है मिलते ही आपको फोन कर दूंगा थैंक यू सो मच अब क्या करें वो हार्ड डिस्क रखी थी कहां गई यहीं रखी थी चल मेरे साथ पर कहां टेबल से एक पेंसिल दे मैं नहीं दूंगा जल्दी दे भूतनी वाली मैडम मेरे को कुछ मत करना हाँ मरवा के रहेगा आज रात हम दोनों इसी कमरे में रुकेंगे यहाँ रुककर भांगड़ा डालना है अरे मेरी फट रही है यार सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आध्या यहाँ आई थी मैं दो बार इस कमरे में आ चुका हूं और मैंने वही सपना देखा तो जरूर इस कमरे में आध्या के साथ कुछ हुआ था क्या हुआ पता करने के लिए वही सपना फिर से देखना होगा और उसके लिए आज रात यहीं रुकना जरूरी है ये क्या है दो पैक क्यों उठा रहा है एक उस भूत के लिए क्या नहीं यार उस रात मैंने दो पैक पिए थे आज भी उतना ही पीऊंगा तो वही सपना आएगा अरे वाह मेरे दमदार खिलाड़ी दो पैक पीने के बाद मैं भी उम्दा खिलाड़ी बनूंगा वैसे टाइम क्या हुआ है उस रात मैं 11 बजे सो गया था अभी 10:50 हो गए मैं चलता तू तो जा रहा है मस्त सोने के लिए मैं क्या घास छीलूं ए सुनना आंटी गलती से तेरे रूम की बजाय मेरे कमरे में तो नहीं आ जाएगी ना ए चल सो जा हेलो भिड़ू सपना आया क्या शांति से सोने देगा तभी तो सपना आएगा ना फिर से फोन किया तो बात तब मैं सुला दूंगा फोन रख अरे क्या हो गया यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है और यहाँ डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है सपना आया क्या नहीं आया यार नहीं आया मदिरा में दम नहीं था क्या भूतनी हॉलिडे पर निकल गई क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा सपना क्यों नहीं आया What did I miss? आद्या लापता हुई 6 अक्टूबर को मुझे पहली बार सपना आया 3 दिसंबर को और फिर दूसरा सपना मुझे 5 महीने बाद आया था यानी 30 मई को तीसरी बार जब उस कमरे में रुका तो सपना आया ही नहीं और उस दिन की तारीख थी 17 जून आखिर मुझे सिर्फ 2 रातों को सपना क्यों आया तीसरी को क्यों नहीं मतलब कि जिन रातों को सपना आया उनमें कुछ तो कॉमन है दोनों सपनों वाली रातों पर दिन कौन सा था नहीं आद्या लापता हुई शुक्रवार को पहला सपना रविवार दूसरा मंगलवार को क्या कॉमन है कम ऑन कम ऑन कम ऑन
हाँ, ऑफिस एनिवर्सरी के फोटोज निकाल। इसमें रवि की शादी के फोटोज हैं, जरा चेक कर। मिल गया। अरे क्या मिल गया? गाइस, पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा? हाँ मेघा। जिस रात आध्या गायब हुई 6 अक्टूबर, वो पूर्णिमा थी। मेरे दोनों सपने भी पूर्णिमा की रात आए थे। तीसरी बार मुझे सपना नहीं आया क्योंकि उस रात पूर्णिमा नहीं थी। अब इसके बाद जब अगली पूर्णिमा की रात आएगी, मुझे उसी कमरे में सोना होगा ताकि वो सपना फिर से देखूं। फिर अगली पूर्णिमा कब है? कब है? जून 26th। यानी हमें 10 दिन और इंतजार करना होगा। तो तुम पूर्णिमा की रात वापस उस होटल में जाओगे? हाँ मेघा। दिमाग खोल कर सोचो गौतम, पूर्णिमा की रात को सपना, ये सब तुम्हें थोड़ा फिल्मी नहीं लग रहा? क्या कहा? फिल्मी लग रहा है? तुमने खुद देखा है ना, वो तीनों रात पूर्णिमा की ही रात थी। तो तुम्हारे हिसाब से पिछले 8 महीने में सिर्फ 2 बार ही पूर्णिमा आई? 2 बार पूर्णिमा? मेघा, यस। क्या हुआ? गुस्से में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। कितनी जरूरी बात बताई तुमने। थैंक यू। अरे क्या हो गया तुझे? कौन से राज का पता चल गया जो बंदरों की तरह उछल रहा है? जब से आद्या लापता हुई है तो मेरी बिताई 2 पूर्णिमा की रातों को छोड़कर 6 पूर्णिमा की रात और थी। अगर मेरी थियरी सही है तो जो भी लोग उन 6 रातों में उस कमरे में रुके होंगे, उन्हें भी वही सपना आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात, मेरी पूर्णिमा वाली बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात जो उससे भी जरूरी है, अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ सके तो हम आध्या तक पहुंच सकते हैं। मतलब 8 पूर्णिमा की रातें और पूरे 8 सपने, और तो और बाकी 6 लोगों को भी वही सपना आया। यार तू उसे ढूंढने की बजाय इस पर एक पिक्चर बना डाल। वैसे भी आजकल थिएटर खाली हैं, लेकिन ये पिक्चर 500 करोड़ मारेगी। हेलो। हेलो, मैं आध्या बोल रही हूँ। कौन कौन बोल रहा है? आध्या बोल रही हूँ। हेलो। तुझे लगी तो नहीं? तू ठीक है ना? हेलो। हेलो, मैं आध्या बात कर रही हूँ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए प्लीज मुझे ढूंढना छोड़ दो। हेलो। कम ऑन, पिकअप। हाँ गौतम। सर, एक नंबर भेज रहा हूँ, नंबर से कॉलर की लोकेशन मिल सकती है? हाँ भेज दो। किसका फोन था? आध्या? पता नहीं कहाँ है और उसने फोन क्यों किया। सर, गौतम, जो नंबर तुमने भेजा था उसकी लोकेशन चूड़ी बाजार है, 4 मीनार के बाजू में। गौतम, उस नंबर के साथ साथ हम लोग तुम्हारा नंबर भी ट्रैक कर रहे हैं। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से वो नंबर सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है।
गो स्ट्रेट, यस स्ट्रेट, थोड़ा सा पीछे, गो टू योर राइट, यस यू आर ऑन टारगेट, यस 200 मीटर्स टू योर लेफ्ट, तुम्हारी राइट पर 100 मीटर की दूरी पर टारगेट है, वहां जाओ तुम्हें एक गोदाम दिखेगा। गौतम वो निकल रहा है वहां से, वो तुम्हारी लेफ्ट की तरफ निकल रहा है, जल्दी जल्दी वहां से निकलो, गो स्ट्रेट स्ट्रेट, गो स्ट्रेट एंड टेक अ राइट 100 मीटर्स टू योर राइट, यस यस गौतम 600 मीटर्स टू योर राइट, यस बैंग ऑन टारगेट, क्या मिला इतना दौड़ के? वो लड़की खुद ही बोल रही थी ना कि वो ठीक है, तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अगर तेरी बात सही है तो जो लड़की मुझे जानती नहीं, मुझसे कभी मिली भी नहीं है, उसे ये कैसे पता कि इतने दिनों से मैं उसकी तलाश कर रहा हूं? उसे पता चल ही नहीं सकता। और अगर वो वाकई परेशानी में फंसी है, उसे मदद चाहिए, तो पहला कॉल अपने डैड को करती या फिर वो पुलिस को कॉल करती, पर मुझे नहीं। मेरा नंबर उसे मिला कैसे? ये कॉल आद्या ने नहीं किया है। फिर किसने किया है? उन्होंने किया है जो नहीं चाहते मैं आद्या को ढूंढूं। वो ये कॉल करके मुझे भटकाना चाहते थे। मैं समझ गया, आद्या के बारे में मैंने जो सोचा था वो सही है। जहां पर हमने काम रोका था वहीं से फिर शुरू करेंगे। कबीर, मैं बोल रहा हूं, तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या करना है? गौतम नाम का एक लड़का है, उसे खत्म करना है। 2 दिन में उसकी लाश मिलेगी आपको। ठीक है। तुम लोग यहीं रुको, मैं डिटेल्स पता करके आता हूं। उन 6 पूर्णिमा की रात उस कमरे में जो रुका, हमें उनसे मिलना होगा। उनमें से 3 रात को कोई वहां नहीं रुका, लेकिन बाकी की 3 रात को लालबाग के वसंत राव, हैदराबाद के जावेद अली और ये एक लड़की नम्रता राम, ये रात को 8 बजे ही वहां से निकल गई थी। उससे मिलने की जरूरत नहीं है, पहले हमें मिलना होगा जावेद अली से। चाचा, चाचा जान, चाचा जान, जावेद अली। हाँ? अरे उनको नहीं सुनाई दे रहे, मुझे बताइए क्या चाहिए आपको? जावेद अली से मिलना। अभी कैसे मिलोगे? दुबई में है वो। कब लौटेगा? अगले हफ्ते। चाची, इसमें मेरा नंबर और एड्रेस है, उससे कहिए मुझे कॉल करे, थोड़ा अर्जेंट है। तो फिर? फिर क्या फिर? निकलो चेन्नई, लेकिन मेहंदी से पहले वापस आ जाना, ठीक है? नमस्कार अंकल। कल रात को आपको फोन किया था, आपके पिताजी से मिलना था। मैं प्रसाद और ये मेरा दोस्त गौतम, हैदराबाद से आए हैं। बाबा, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं हैदराबाद से, आ जाओ। संभाल के बात करना दोस्त, अगर गलती से भी बूढ़े की विकेट गिर गई ना तो अपना नाम आ जाएगा। वैसे तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? नमस्ते सर। हाँ बैठना। 5 महीने पहले बाबा को अटैक आया था। अंकल, जनवरी में आप हैदराबाद के पैराडाइज रिसोर्ट में रुके थे, आपको याद है? काका, जानेवारी मध्ये तुम्ही हैदराबाद पॅराडाईज रिसॉर्ट मध्ये राहिला होतात, आठवतंय का? सर, ये लड़की याद है आपको? हाँ। बाबा, बाबा, क्या हुआ इन्हें? बाबा काय झालं? बाबा, अंकल तुम्ही ठीक तरह? ये तो ऐसे डर गए जैसे भूत देख लिया हो। पानी गया, पानी पिया। मतलब आद्या इनके भी सपने में आएंगे। हाँ? अगले क्या क्या बोला तू बापू को? चल निकल, चल निकल, चल चल यार। रुक यार, सपना ना आया होता तो ठीक था, पर सपना आया है, एक लड़की की जान का सवाल है यार, तू पूछना। ओ दादा, एक मिनट बोलो दिया। सर, जा तुम ही बाहर। बाबा तुम शांत हो। काय काय चल बाबा। बस सुन, ताला
आपको उस सपने के बारे में कुछ याद है? अगदी काही ही आठवत असेल तर आम्हाला सांगा प्लीज. तिकडे बाग वहां पर. नको तिकडे. अंकल, ये क्या है? काय आहे हे? लाल रंग है. रंग के बारे में कुछ? अंकल, आपको कुछ और याद है? अजून काही आठवत है? वो मूर्ति गणेश जी. एक हाथी. हाँ, क्या कह रहे हैं? हाथी के बारे में कह रहे हैं. दोन कुछ मंत्र के बारे में कह रहे हैं. कोई क्या कह रही है? कोई मंत्र है शायद. ओम कलला कलला कलला. अजून का ही इतना काफी है? लाल रंग, हाथी और ओम, ये सब आखिर है क्या? वही तो जानना है. बिल्कुल सुंदर दिख रही है. तुम्हें दामाद जी बहुत अच्छे मिले हैं. तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है. ए गौतम, इधर आ. हाँ माँ. सामान जगह पे रखवा दिया ना? हाँ, सब रखवा दिया है वहाँ पे. सबके सामने किस दे दो ना, या फिर मैं दूँ? क्या मस्ती कर रहे हैं? कुछ नहीं माँ. ये देख. वाह, हार कितना सुंदर है. हाँ, बहुत सुंदर है. वाह, कितना नसीब वाली है तुम्हारी बेटी. दो हाथी, लाल रंग. लाल रंग है. आध्या और प्रभा. अंकल, आप जानते हैं ये लड़की कौन है? नहीं पता बेटा. ये प्रभा कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी अन्ना राम, कोई हाउसिंग सोसाइटी लगती है. एरिया का नाम आरएएम से खत्म होता है. ये देखो, आरएएम अबुदया मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, धनाराम. फोटो में जो बच्ची है उसे आप जानते हैं? नहीं साहब. अच्छा, ये कौन सी स्कूल का यूनिफॉर्म है? ओ, ये स्कूल, ये तो बगल में ही है. प्रिंसिपल सर कहाँ मिलेंगे? उधर. 8 महीने? नो आइडिया सर, मैं तो खुद यहां 5 महीने पहले आया हूं. गुप्ता जी. सर. इस लड़की को जानते हो क्या? आद्या. सर, आपके यहाँ आने से पहले ये कंप्यूटर लैब में असिस्टेंट थी. सिर्फ 2 महीने इधर काम किया, फिर गायब हो गई. सर, आध्या के साथ फोटो में लड़की कौन है? प्रभावती. लेकिन उसका परिवार तो गांव छोड़कर चला गया. गुप्ता जी. जी. आध्या के बारे में आप कुछ और जानते हैं? नहीं सर. समझ में नहीं आ रहा, ये स्कूल, वो प्रभा. हेलो. गुप्ता बोल रहा हूँ सर, अभी हम कॉलेज में मिले थे. जी. आध्या के बारे में कुछ बात करनी है आपसे. हाँ बताइए ना. फोन पर नहीं, हाईवे के पास एक फूड कोर्ट है, 3:30 बजे वहाँ आ जाइए. बाबा,
भाई 4:30 बज गए, लगता है टकला घुमा रहा है। चल चलते हैं। गुप्ता जी, अरे अजय, यही तो हमें मिलने आने वाले थे, ये क्या हो गया? हेलो, क्या माँ? माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ सर। वो लोग पीछे से आए और मुझे मारा, फिर पूरे घर में कुछ ढूंढने के लिए उन्होंने सब कुछ उलट पलट कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि माँ जी को कुछ नहीं हुआ। गुप्ता जी, इन्होंने ही हमें बुलाया था। माँ आप ठीक तो हो? गौतम क्या चल रहा है? हुआ ये सब? क्या बोलूं मैडम, बच गए, यही बहुत है। ये कौन है? क्या हुआ? ये गुप्ता जी है, सरकारी स्कूल के क्लर्क हैं। आद्या के बारे में मुझे जानकारी देने वाले थे, पर इन्हें मार दिया। मर्डर तक बात आ गई है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है? गौतम मुझे लगता है कुछ दिन के लिए तुम्हें शांत रहना चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। गौतम वो लोग घर तक आ गए हैं, इसका मतलब है वो लोग नहीं चाहते कि आद्या का जो भी सच है वो दुनिया के सामने आए। लेकिन अब तुम रुक गए तो जो आद्या के साथ हुआ है कल वो मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, लेकिन तुम्हें इस मिशन को खत्म करना होगा। जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। हेलो गौतम। हाँ कौन? मैं जावेद अली बोल रहा हूँ, आप ही हमारे घर आए थे ना? जावेद अली से मिलना। अभी कैसे मिलोगे? दुबई में है वो। कब लौटेगा? अगले हफ्ते। हाँ मैं आप ही के कॉल का इंतजार कर रहा था, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ मिलते हैं। थैंक यू। मार्च 2nd पैराडाइज रिजॉर्ट। हाँ मैं रुका था वहाँ, पर कोई सपना नहीं आया। एक सेकेंड सर, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? नको नहीं। ये क्या है? कितनी बार साफ कर चुकी हूँ मैं, साफ कर करके थक जाती हूँ मैं, हमेशा साफ नहीं होता मुझसे। मैं बात कर रहा हूँ ना, अंदर जाओ। जाओ नहीं जाऊंगी मैं, दिन भर सफाई करते रहते हो। अरे अंदर जाओ, बिरयानी बनाओ। सर ये ड्राइंग्स? आओ मेरे पोते की, दिन भर क्या तो भी बनाते रहता है। ओ आप अपने परिवार के साथ गए थे? आओ साहब। बेटा कहाँ है? अंदर है साहब। साहब अरे मेरे पोते से क्या काम? अरे रुको भाई साहब, परेशान मत होइए। बेटा क्या ये तुमने बनाया है? तुमने इस लड़की को देखा है? थैंक यू मिस्टर जावेद। चल ए अजय, ये देख, ये कोई सिंबल लगता है ना। कौन सी पार्टी का? पार्टी मतलब? अरे इलेक्शन सिंबल। सर पढ़ा लिखा गवार है ये, एक पते की बात नहीं की इसने आज तक। ए चपड़गंजू, तूने खुद क्या उखड़ा है आज तक? बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ी हैं मैंने तुम लोगों को खिलाने के लिए। यहाँ सिंबल के बारे में बात हो रही है, सांबर के बारे में नहीं। दिमाग की भुर्जी मत बना, जा ऑमलेट लेकर। मुर्गे ने आज अंडा नहीं दिया और ऊपर वाले ने तुझे दिमाग नहीं दिया। इस ढीले को तू नौकरी दिया? अब इससे अच्छी ड्रॉइंग तो आपुन कर सकता है। क्या बोल रहा है? अरे सही तो बोल रहा हूँ, उस बच्चे ने कार्टून देखकर कुछ लकीरें क्या खींच दी तो उसका हैवी मतलब निकालने लगा। इसे ऐसे नहीं, ऐसे देखो। अरे क्या ऐसे देखो, कोई मतलब नहीं इसका। ये सेंट मेरी का सिंबल है। सेंट मेरी? मैं बचपन से कॉन्वेंट में ही पढ़ी हूँ, बल्कि हमारे स्कूल का भी यही सिंबल था। उस मरिया का अनाथ आश्रम, वो भी सेंट मेरी था ना। हेलो सर, मैं वो कैमरामैन बोल रहा हूँ। सर ये तो फाइनल फुटेज है, हमारे पास रफ फुटेज भी है। फिलहाल मुझे वो वाली हार्ड डिस्क कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मिलते ही आपको फोन कर दूंगा। हाँ बोलिए। आपसे कुछ बात करनी थी।
फॉरन ऑफिस। हाँ अभी आता हूँ, चल इवेंट के कैमरा वाले का कॉल था। क्या रे गधे, चंद पैसे के लिए बेईमानी करता है? नहीं सर। वो तो किस्मत अच्छी है सर कि बैकअप था, इसलिए सब बच गया। संतोष लेकर। यह आध्या के साथ कौन है? ये वही है सर जिसको इसने हार्ड डिस्क बेची है। बोलना। इस आदमी ने मुझसे उस रात हुए इवेंट की हार्ड डिस्क ऑफिस से चुराकर उसे लाकर देने को कहा। मैंने हार्ड डिस्क उसे लाकर दे दी और उसने मुझे इस काम के 5,000 रुपए दिए। और कुछ पता है उस आदमी के बारे में? 2 दिन पहले जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, वहाँ से एक गाड़ी गुजरी। उस गाड़ी के अंदर वो आदमी बैठा हुआ था सर। उसकी गाड़ी के पीछे भावना फाउंडेशन करके कुछ लिखा हुआ था। भावना फाउंडेशन? सर भावना फाउंडेशन का एड्रेस गूगल कीजिए। अर्जेंट है, आप फॉरवर्ड कीजिए ना। रुको रुको, मरिया तो ये भी यही थी, ये जरूर कुछ जानती है। गौतम ये देखो, भावना फाउंडेशन की डिटेल्स। रखो राम। एनजीओ वाला मामला मैं देख लूंगा। मुझे लगता है कि तुम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। नहीं सर, पर शुक्रिया। अब यह मामला सुलझाने के लिए बस एक ही उम्मीद है, सेंट मैरी के फादर। फादर कहाँ है? विशाखापट्टनम गए हैं। अब कब आएंगे? पता नहीं, फादर वहां से इटली जा रहे हैं। ओह, सिस्टर क्या आप मरिया के बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? क्या चर्च के बाहर भी उसके कोई दोस्त वगैरह थे? क्या कोई उससे मिलने आता था? क्या कभी उसने आध्या के बारे में कुछ कहा था? आध्या के बारे में उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज फादर से बात कीजिए, प्लीज। थैंक यू सिस्टर। हेलो, मैं आध्या बात कर रही हूँ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए प्लीज मुझे ढूंढना छोड़। अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज फादर से बात कीजिए, प्लीज। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए प्लीज मुझे ढूंढना छोड़ दो। तुम्ही ने आध्या बनकर मुझे फोन किया था ना? बताओ वो तुम ही थी ना? मुझे तुम्हारी आवाज याद है, वो तुम ही थी।
फादर ने जो भी मारिया के बारे में बताया गलत था। समझ नहीं आता कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। उस दिन जब तुमने यहाँ आकर अचानक फादर से मारिया के बारे में पूछा तो अचानक उन्होंने इटली निकलने का प्लान किया और फिर वो मेरे पास आए और बिना कोई डिटेल बताए उन्होंने कहा कि मुझे आध्या बनकर किसी से फोन पर बात करनी होगी। फादर इटली कब जाने वाले हैं? कल जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे फादर कहाँ मिलेंगे? वो अभी बाहर गए। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा फादर? सिस्टर को आध्या बनाकर फोन क्यों करवाया? आध्या मरिया कहाँ है? इसके लिए, जिसे मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी जान बचाने के लिए शहर से बाहर भेजने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैंने उसे यहां भेजा तो मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तुम उसे ढूंढते हुए चर्च तक आ पहुंचे तो मैं समझ गया अब यह मामला इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। अगर वो जान गए कि यह जिंदा है तो वो इसे मार डालेंगे, इसलिए इसे यहां से निकालकर मैं हमेशा के लिए इटली भेज रहा था। फादर, 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 Thank you.
क्यों मारा? उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। फादर को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उनकी जान भी चली गई। अब तुम्हें इटली पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आध्या के बारे में बता दो। हमारे गांव के सरकारी स्कूल में जब मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए गई थी, तब मैं पहली बार आध्या से मिली। कंप्यूटर्स रेडी है और मेरा नाम है आद्या। ओके ओके मैडम। मैडम मत बोलो, दीदी बोला करो। ओके दीदी। वेरी गुड। हेलो, आई एम आद्या। आई एम मारिया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर गांव के हर एक इंसान के साथ सबके दिल में उसने अपनी जगह बना ली थी। वो बिल्कुल थी ही ऐसी। और फिर एक दिन स्कूल में एक मेडिकल कैंप लगाया गया और पता ही नहीं चला कि कब हम लोग उस मेडिकल कैंप का हिस्सा बन गए। रुको रुको रुको, आप लोगों के लिए भी बैच लाई हूँ, पहनो इन्हें। ओह, अब हम भी इसका हिस्सा हैं क्या? बाय दीदी। बाय। अभी शिकायत करता हूँ, मजाक बना रखा है। कोई ढंग का इंतजाम नहीं है, डॉक्टर की कोई इज्जत ही नहीं है। हमें मत सिखा। तेरी तो अभी शिकायत कर जाऊँ। तुम वहाँ जाओ, मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है। एक दिन जब हम सब काम कर रहे थे, उसी दौरान आद्या की नजर एक बच्ची पे गई जो अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारी से काम कर रही थी। ए प्रभा, इधर आ। तेरे घर में कौन कौन है? घर पे तो सिर्फ माँ और मैं रहते हैं। तुझे देखकर वो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाती होंगी। ऐसा क्यों दीदी, तू है ही ऐसी नन्ही परी। ये देख। मम्मी मम्मी, ये रहा मेरा घर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप बैठिए, मैं चाय लाती। कैसी लग रही हूँ? वेरी गुड। ये प्रभा। हाँ दीदी। ये तूने बनाया है क्या? हाँ, ये मैंने बनाया है। डॉक्टर प्रभा, ये क्या है? बचपन से ही इसको डॉक्टर बनने का है मैडम। ए प्रभा, तू डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ दीदी। खाना बन गया है क्या डॉक्टर प्रभा? तैयार है दीदी। दीदी दीदी, ये देखिए। ए, ये कब बनाया? कल रात। पसंद आया? वाओ, वेरी गुड। बहुत अच्छा। मैंने जैसा कहा वैसे ही करो। ठीक है सर। मैंने पहले ही बोला था ना, फिर से वही। सॉरी, वो वैक्सीन खत्म हो गई है। मैं भिजवाता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। मैडम, स्कूल के बच्चों से बोल दो कि वो भी वैक्सीन ले लें। नहीं नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। ना मत कहो बच्चों, वैक्सीन सेहत के लिए जरूरी है। दीदी दीदी, प्रभा वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, प्रभा इधर आ, मुझे वैक्सीन नहीं लेनी। इसमें रोने वाली क्या बात है, आजा। प्रभा, तू भी बड़े होकर सबको वैक्सीन लगाएगी ना? हाँ दीदी, लगाऊंगी। तो अगर तू खुद डरेगी तो कैसे लगाएगी? हाँ, चल से छोड़ दे, रोना बंद कर, आजा। प्लीज जाने। अच्छा चल, एक काम करते हैं, तुझे ना वैक्सीन मैं लगाऊंगी, अब रोना नहीं। डॉक्टर मुझे दीजिए, अब मैं इसे खुद लगा रही हूँ तो दर्द नहीं होगा, ठीक है? बस मेरी आंखों में देख, देखती रह, और ये ले, हो भी गया। लग गया दीदी, और पता भी नहीं चला। और देखा, इतनी सी बात के लिए कितना बड़ा शोर मचाया। गुड मॉर्निंग दीदी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब प्रभा कहाँ है? पता नहीं दीदी। अमृत और शिवानी भी नहीं दिख रही है। उनका भी नहीं पता। प्रभा, अब आंटी प्रभा को क्या हुआ है, आ जाए नहीं? मैडम, उसका पूरा शरीर आग से झुलस रहा है और बुखार ने जकड़ लिया है। पड़ोसी के घर छोड़कर अपना काम पे गई थी, जब लौटी तो बुखार बढ़ गया था। दवाई की दुकान से 2-3 दवाई भी लेके दी थी, देखो क्या हो गया है उसे। आंटी, एक गीला कपड़ा मिलेगा प्लीज? हाँ अभी लाई। प्रभा, दीदी मेरा पूरा शरीर चल रहा है। मेरी बच्ची बच गई। घबराइए मत।
डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रभा, सिस्टर, इमरजेंसी है, जल्दी करो। इसकी हालत बिगड़ रही है। प्रभा, मेरी बच्ची को क्या हो रहा है? भगवान, डॉक्टर साहब, प्रभा, 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 she's no more. Sorry. क्या हो गया? मैंने क्या पाप किया था? मेरी बच्ची। आध्या, आध्या, क्या हुआ आध्या? आध्या, आध्या, प्रभा कैसी है? आध्या, 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 संभालो, अपने आप को, क्या हुआ है, बोलो तो। आध्या, तुम रो क्यों रही हो? आध्या, बोलो ना, क्या बात है? प्रभा ठीक तो है ना? आध्या, बताओ क्या हुआ है? प्रभा की मौत ने आध्या की जिंदगी बदल दी। कोई ढंग का इंतजाम ही नहीं। मैंने पहले ही बोला था, फिर से बोल। ठीक है, दोनों बॉटल तो सेम है मैम, पर इनके अंदर जो दवाई है वो अलग है। एक में डेंगू की वैक्सीन है पर दूसरे में कुछ और ही है। अभी शिकायत करता हूं, मजाक बना रखा है। हेलो, हेलो, वो स्कूल में जो वैक्सीन लगाई थी उसकी जानकारी चाहिए मुझे। कितने बच्चे डॉक्टर? कितने बच्चे मारे गए? आध्या, क्या मतलब था आपका कि कितने मरे? आपको पता था ऐसा होने वाला है? आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? कंप्लेंट से मेरी जान चली जाती। आज के दिनों कैंसर भी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी इन कंपनीज ने बना डाली है। जो कुछ उस डॉक्टर ने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जितना सोच रहा था उससे कई बड़ा षड्यंत्र है सबके पीछे। षड्यंत्र है? अलांटा नाम की एक इंडियन कंपनी करोड़ों रुपए लगाकर अपने वैक्सीन्स का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। नॉर्मली ऐसे वैक्सीन्स के एक्सपेरिमेंट सिर्फ जानवरों पर किए जाते हैं, लेकिन इस कंपनी से स्कूल के लोगों के साथ सेटिंग करके इन बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और प्रभा जैसे बच्चे इसी एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गए। अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता तो दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनीज को ये लोग बंद करवा देते और करोड़ों अरबों रुपयों के रातों रात मालिक बन जाते। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज की नजर अब इस पर है। इसमें करोड़ों अरबों का फायदा है।
ऐसी खतरनाक वैक्सीन लगाने की इजाजत कभी भी किसी कंपनी को नहीं मिलती, लेकिन बड़ी मेडिकल कंपनीज ये सारे एक्सपेरिमेंट्स गरीब देशों में एनजीओज और ट्रस्ट्स के नकाब के पीछे छुपकर करती हैं, और 15 से 18 साल की लड़कियां अक्सर इन एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बन जाती हैं। ये पूरा का पूरा चेन है करप्शन का। अगर तुम्हें पता चल गया कि इस स्कैम में कितने लोग शामिल हैं, तो सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा और तुम इनके खिलाफ खड़ी होगी। ये सब टाइम पास करना बंद करो, नहीं तो कम उम्र में मारी जाओगी। मैंने भी आध्या को बहुत समझाया कि इन सब मामले में ना पड़े, पर उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। सारे सबूत जमा करके वो सीधे स्कूल मास्टर के पास पहुंच गई। यहाँ का कलेक्टर मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, कल मिलकर उसे सब समझा दूंगा। ओके सर। ए, क्या रे, ज्यादा शांत पट्टी दिखा रही है तू? अगर और आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो जान से मार डालूंगा तुझे। ये बात भेजे मैं बिठा ले, चल निकल। जरा हटिए, हटिए, जरा एक मिनट मुझे जाने दीजिए। क्या हुआ है? हेडमास्टर का बाथरूम में पैर फिसला और मर गए। बेचारे बहुत शरीफ आदमी थे। आद्या, आद्या सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों झमेले में पड़ती हो? अपने घर चली जाओ ना। कैसे जा सकती हूँ मैं? प्रभा के इतने रोने के बाद भी मैंने उसे वैक्सीन लगाई। इतना सब कुछ जानने के बावजूद मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? आध्या मेरी बात समझ, वो लोग मार डालेंगे तुझे। मारने दो, मारने दो। इस तरह तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी मारिया। उन मरे हुए बच्चों के चेहरे मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। देख मारिया, तुझे जाना है तू जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं देख रही हूं। आध्या मत रहो ना मुझे, मैं कुछ करती हूँ। आध्या, मेरा एक दोस्त है जो कुछ मिनिस्टर्स को जानता है। मैं अभी उसी से बात कर रही थी। उसने मुझे आज रात पैराडाइज रिजॉर्ट में बुलाया है। वहाँ पर कोई इवेंट है आज, हम वहाँ चलते हैं। ठीक 7 बजे हमें उधर बुलाया है। 7 बजे? ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। हाँ चलेंगे। मेरे दोस्त से मिलने हम उस रात पैराडाइज रिजॉर्ट पहुंचे, इस उम्मीद से कि हमें कोई हल जरूर मिलेगा। आध्या तू यहाँ बैठ, मैं देख के आती हूँ वो कहाँ है। लेकिन मेरा दोस्त वहां पर था ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम इतनी उम्मीद से वहां गए थे, पर ये न्यूज़ सुनकर तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और जब मैंने पलट कर देखा तो आध्या वहां नहीं थी, वो कहीं चली गई थी। एक लड़की और थी यहाँ पे, उसको ढूंढ। अभी ढूंढता हूँ। मिली क्या? नहीं मिली। ठीक है चल। उस रात मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि बिना आध्या के बारे में सोचे वहां से भाग गई। बेचारी आध्या। सिर्फ 3 दिन के रिश्ते के लिए उस आध्या ने अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दी। हमें आध्या का साथ देना होगा सर। जो कोई भी इसके पीछे है, वो जितनी भी बड़ी ताकत है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे सर, एक एक को घसीटेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गौतम, लेकिन सबूत तो चाहिए ना। गुप्ता और रघुराम को मार दिया, तुम्हारे घर तक आ गए, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। इन बड़ी मेडिकल कंपनीज के खिलाफ बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? Why can't we do anything? जब भी मुझे सपना आता है हमें कोई ना कोई सुराग मिलता है, इसका कुछ मतलब है। मेरे सपने में आई ये नदी, ये मुझे मरिया तक ले गई। गेट पर मिला ये निशान, ये मुझे आध्या तक ले गया। ये वसंत राव के सपने में आया था, इससे प्रभा का पता चला। जावेद अली के बेटे की ये ड्राइंग,
सेंट मरिया का सिंबल, इससे मैं फिर से चौंक गया। एवरीथिंग, हर बात के पीछे एक वजह है। आध्या मुझे कुछ दिखाना चाहती है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। सर, कहाँ है वो लड़की? मुझसे कुछ छूट रहा है, मेरी आंखों के सामने पर दिख नहीं रहा। फोकस गौतम, फोकस। ये तो ओम लिखा है आत्या के हाथ पर। अब समझ आया। रुको, तुमने गौर किया? कमल का निशान आध्या के ब्रेसलेट में है, और ये बुद्ध का निशान भी उस पे है। ये देखो फूल और ओम, ये भी उसके ब्रेसलेट में है। इस ब्रेसलेट में कुछ है, इसमें जरूर कुछ है। इस ब्रेसलेट के बारे में पता करने के लिए आध्या का पता लगाना होगा, और आध्या के बारे में जानने के लिए फिर से सपना देखना होगा। कल पूर्णिमा की रात है, रूम नंबर 118 में जाकर मैं फिर से वो सपना देखूंगा, फिर सब पता चल जाएगा। क्या यार, अभी भी उसी बात को लेकर बैठा है? उस सपने से पता चल जाएगा कि आध्या कहाँ है? वो सपना है और ये हकीकत समझता क्यों नहीं है? एक आम आदमी भी इसको महसूस कर सकता है और इसका हिस्सा बन सकता है। जल्दी चल। मेरा भी सॉरी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। जब मैं पिछली बार आया था, आपने कहा था कोई सपने में जाकर उस सपने का हिस्सा बन सकता है। क्या मैं अपने सपने में जाकर उस सपने को महसूस कर सकता हूँ? ये कोई फिल्म नहीं है जो बार बार देख लें। ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर? हो सकता है। इसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। ये जागने और सोने के बीच की स्थिति है। तुम उस वक्त सपने में तो होते हो, पर तुम्हारा दिमाग फिर भी चल रहा होता है। अगर मैं ये आसान शब्दों में कहूं, इंसान का शरीर सोता है लेकिन उसका दिमाग उस वक्त भी जाग रहा होता है, मानो जैसे वो सच हो। तुम उसमें सब कुछ महसूस कर सकते हो। तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो। तुम हवा और सुगंध को महसूस कर सकते हो, लेकिन इसमें एक खतरा है। ल्यूसिड ड्रीम में घुसना आसान है, मगर उसमें 10 मिनट से ज्यादा रुकना खतरनाक होता है। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं तैयार हूँ। कमरे में जाने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सब क्या है डॉक्टर? क्या इससे मुझे सपना आएगा? ना ना, ये तो मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए है, तुम चिंता मत करो। मैं अब तुम्हें एक दवाई देने वाला हूँ। वो दवाई तुम्हारी बेचैनी कम कर देगी, दिल को शांत कर देगी और तुम्हें सपने में ले जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ डॉक्टर। अपना सारा ध्यान हॉस्पिटल की एंट्री पर लगाओ। ओके। जस्ट लुक एट योर वॉच, उसमें सेकंड वाला कांटा घूम रहा है। घूम रहा है, लेकिन ये सपने में नहीं घूमेगा, और इसी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम सपने में हो। टेस्ट के लिए मैं अब 1 मिनट का अलार्म इसमें सेट करता हूं, और वो होगी तुम्हारे सपने से बाहर आने की वार्निंग। रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करो और अपने सपने में जाओ। जल्दी आओ। हाँ सॉरी, मेरा भी सॉरी। अमेजिंग डॉक्टर, सब कुछ एकदम सच लग रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं वही हूँ। अच्छा एक और बात, सपने में जो कुछ भी हो रहा है उसे बदलने की कोशिश मत करना। जो हो गया वो हो गया। वो साला आध्या के राज को ढूंढ लेगा। मेरी कंपनी ने जो किया, अगर वो मीडिया को पता चल गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। जल्दी कुछ कर। आप मुझे फोन करना बंद कीजिए, उसे खत्म करके ही मैं आपको फोन करूंगा। Thank you.
गौतम, बस कर। गौतम, कितना खून बह रहा है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। नहीं मेघा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने गौतम, अंदर चाहे जो भी हो, जब तक मैं बाहर नहीं आता तुम में से कोई अंदर मत आना। हेलो सिद्धार्थ। हेलो मैडम, जिसका ये फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, हमने उसे बंसल हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सिद्धार्थ, कहाँ है तू? सब तेरे लिए रुके हैं। हेलो सर, मैं सिद्धार्थ नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती किया है। ओके, मैं अभी आता। मुझे कॉल आया कि सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हुआ है, मैं तभी निकल गया था। आध्या, मेरी कुछ बड़ी जगहों में पहचान है। सुनो आध्या, तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आओ। क्या सोच रही हो? कुछ लोगी, चाय, कॉफी या कुछ और? चल बैग दे तेरी, बैग दे, अबे बैग दे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ओरिजिनल लैब रिपोर्ट, पेशेंट कार्ड डिटेल्स, अगर ये सब बाहर आ जाता ना तो सबको जेल हो जाती। रॉनी, आध्या, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो?
ये मेरा सपना है। मेरी मेडिकल कंपनी में मेरे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। जब सब कुछ सही चल रहा था, तूने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे इन सब के बीच में आने की क्या जरूरत पड़ी थी? तुझे इसकी कीमत देनी होगी। जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं सबके सामने सच लेकर आऊंगी, मैं जानती थी कि होगा, पर वो दिन आज होगा ये नहीं पता था। इनको यहां देखकर भी मैं समझ गई थी कि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होगा। मैं अब से नहीं कहूंगी मुझे जाने दो। ऐसी जिंदगी जी के वैसे भी क्या फायदा। मैं मौत से नहीं डरती हूं सर, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज सर, अब तो ये सब बंद कर दीजिए। अरे मैं तो लोगों का भला करता हूं पगली। ये गरीब लोग, होता ही क्या है उनकी जिंदगी में, क्या फायदा उनकी जिंदगी का? कम से कम मैं उनको एक इज्जत की मौत तो देता हूं। 6 महीने पहले रानी कितने मारे? 40 लोग हैं सर। 40 लोग? तुम्हें क्या लगा डेंगू से मरे हैं? आई हैव डन दैट, मैंने करवाया सब। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिंदगी का नियम है। उनकी मौत लिखी हुई थी। 1 साल बाद ये दवाई मार्केट में आएगी, हमें और टेस्ट करने पड़ेंगे और लाशें बिछेंगी, पर तू ये सब नहीं देख पाएगी। आई एम सॉरी आत्या। रोनी जी सर, इसका ध्यान रखना। बहुत अच्छे से रखूंगा सर। मेक इट क्लीन, मेक इट फास्ट, और कोई भी सबूत पीछे मत छोड़ना। बिल्कुल सर, एक भी नहीं। ओके सर, आप मुझे तो मार देंगे, लेकिन मेरी सोच, मेरे जुनून का क्या करेंगे आप? कैसे पता नहीं, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होगी, ये मेरा वादा है। सर ने कहा है कोई सबूत नहीं छोड़ना है। और ये तुम्हारा पेन ड्राइव खत्म। जिस गाड़ी में ये दोनों आए थे, उस गाड़ी को नदी में फेंक दो, जिससे इनकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। ले चलो। Oh, my God.
आद्या मुझसे मिलने इस रिसोर्ट में आई थी। सिद्धार्थ ने उससे कहा था कि मैं उसकी मदद करूंगा। अगर उस दिन हमारी मुलाकात होती तो आज वो जिंदा होते। गौतम, 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 कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? क्या हुआ गौतम? गौतम रुको। अरे कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है? रुक तो। गौतम, गौतम, कुछ तो बोलो। गौतम प्लीज रुको। ब्रेसलेट। कांस्टेबल जरा ब्रेसलेट लाओ। मेरा नाम आध्या है। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा शायद मैं दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं मानती हूं कि हर किसी की जिंदगी का एक मकसद होता है और अपनी जिंदगी का मकसद मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूं। इस पेन ड्राइव में मेरी स्टूडेंट्स प्रभा, मान्या, अनीता और फातिमा जैसी कई लड़कियों के लिए इंसाफ है। मुझे पूरा यकीन है कि इन सबूतों की मदद से हम इन लड़कियों के कातिल तक पहुंच पाएंगे और तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि हमेशा वही करो जो दिल को सही लगे और मुझे लगता है मैंने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। आई एम प्राउड टू बी योर डॉटर। लव यू पापा, लव यू मां। आध्या की मौत से एक सनसनी केस का खुलासा, मेडिकल माफिया की एक घिनौनी सच्चाई। ईसीटीवी के पत्रकार गौतम ने किया सबका पर्दाफाश, वो भी सबूतों के साथ। हॉस्पिटल के डीन यशवंत सक्सेना और पैराडाइज रिसोर्ट के मालिक डेविड डिसूजा को हिरासत में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक खास कमेटी नियुक्त की है जो देश में हो रहे मेडिकल टेस्ट्स की जांच करेगी और उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया। आदेश से अलांटा कंपनी के लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है। पुलिस इसके मालिक वी एन शाह जो फरार है उसकी खोज में है।